बीजेपी कार्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है। बीजेपी कार्यालय के बाहर आपका प्रदर्शन चल रहा है। इससे पहले हमने देखा है सुबह से जितनी भी खबरें आ रही थी आम आदमी पार्टी को लेकर के बीजेपी के लोग प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन फिलहाल आपका प्रदर्शन चल रहा है बीजेपी दफ्तर के बाहर, दिल्ली बीजेपी दफ्तर के बाहर आपका प्रदर्शन चल रहा है इस वक्त। दिल्ली से खबर आ रही है। भावना किशोर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। भावना, क्या इस वक्त तस्वीर है, क्यों ये प्रदर्शन हो रहा है? जी बिल्कुल सचिन, जिस तरह से एमसीडी ने कार्रवाई की है, बुलडोजर से अतिक्रमण को हटाने की कोशिश की है, जिसके बाद आज आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से इस वक्त आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हजारों की संख्या में आपको नजर आ रहे होंगे। ये कार्यकर्ता जो है वो प्रदर्शन करने वाले हैं बीजेपी दफ्तर के ठीक बाहर, लेकिन उसके पहले ही इन्हें आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर रोक दिया गया है पुलिस जवानों की तरफ से। ये देखिए बैरिगेटिंग किस तरह से लगा दी गई है, यहाँ तक कि सीआरपीएफ के जवान आपको नजर आ रहे होंगे, ट्रैफिक पुलिस है, यहाँ पर पूरी बैरिगेटिंग है। दीनदयाल उपाध्याय का ये मार्ग है और यहाँ अगर बात करें आम आदमी पार्टी दफ्तर से बीजेपी हेडक्वार्टर की दूरी कितनी है तो करीब 1 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन रास्ते को पहले ही बंद कर दिया गया है, लोगों के लिए भी आवाजाही बंद है। फिलहाल तस्वीरों में आप देखिए कि बैनर लिए हुए यहाँ कार्यकर्ता जितने भी हैं वो आपको प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ जाएंगे। हाथों पे जो बैनर लिए उस पे लिखा हुआ है सुनो बीजेपी वालों, दिल्ली वालों से उगाही बंद करो। तो आम आदमी पार्टी ये जो आज प्रदर्शन कर रही है, आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी जो है वो गुंडागर्दी करती है और जिस तरह से बुलडोजर को लेकर जो पूरी राजनीति हो रही है, उगाही कर रही है, रिश्वतखोरी का काम करती है बीजेपी, इसको लेकर आम आदमी पार्टी के यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता हैं वो आपको नजर आ जाएंगे। आपसे बात करना चाहेंगे, आप लोग आज कार्रवाई, आज आप लोग प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे, क्या क्यों कर रहे प्रदर्शन? ये इन्होंने ये स्कीम लगाई है बिल्डोजर फोड़ने के लिए। बिल्डोजर पे जब उनके घर घर पे जाते हैं, या तो हमें पैसे दो या फिर बिल्डोजर फिरेगा आपके घर, तो ये अच्छा नहीं है। और आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली में आई, पंजाब में भी आई, एमसीडी में आने वाली है, तो इन्होंने एकदम समय बदल दिया, टाइम बदल दिया और ये कहने लगी कि हम अभी एमसीडी के चुनाव नहीं कराएंगे। आप पता नहीं कब होंगे, कब चुनाव नहीं होंगे। देखिए यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो आपको प्रदर्शन करते हुए नजर आ जाएंगे, लेकिन ये जो प्रदर्शन है वो आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है दिल्ली पुलिस द्वारा। यहाँ पे बैरिकेडिंग लगा के रास्ते को बंद कर दिया गया है और यहाँ से जितने भी आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता वो बढ़ने की जरूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पहले ही रोक दिया गया है। फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की कि वो किस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो ये राजनीति फिर आगे भी जाएगी, क्योंकि वहां दूसरी तरफ मेयर जो है वो दौरा कर रहे हैं दक्षिणी दिल्ली का, शाहीन बाग, जैतपुर, वहां पर बुलडोजर की तैयारी, दूसरी तरफ यहां पर बुलडोजर के विरोध को लेकर प्रदर्शन हो रहा है।